आपकी बात आपके साथ ITDC News। नमस्कार, आप देख रहे हैं ITDC News India। मैं हूं डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल और एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं ITDC स्वस्थ भारत। दोस्तों, कई महिलाएं अपने आप को अपने बच्चों की देखभाल में इस तरह झोंक देती हैं कि वो भूल जाती हैं कि अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो उनके बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा, भले ही वो मुंह से संबंधित समस्या ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चे हर एक चीज़ को पकड़ते हैं, उन पर हर एक चीज़ का असर होता है। बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक नई माँ हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है मुँह से संबंधित, कि उसका असर आपके बच्चे पर ना हो। उसी के साथ हम ये बात करेंगे कि नवजात शिशु के ओरल हाइजीन का ध्यान हमें किस तरह रखना है। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चा जब पेट में होता है तब तो माँ की सेहत का असर बच्चे पर पड़ता है ही। उसके बाद भी जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तब भी कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो माँ के शरीर से बच्चे तक पहुँचते हैं। ऐसे में अगर माँ स्वस्थ ना हो तो बच्चे की सेहत पर भी उसका असर पड़ता है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मुंह का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी शुरुआत मुंह से होती है। और आज की तारीख में हम इसीलिए अपने नाक और मुंह को ढक कर रखते हैं ताकि हम आसपास के इन्फेक्शन से खुद को बचा सकें। ऐसे में अगर हमारे मुंह में इन्फेक्शन्स पनपेंगे तो उसका असर हमारी सेहत पर पड़ेगा, और ऐसे में जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके ना चाहते हुए भी उसके दूध में शायद कुछ ऐसे तत्व आ जाएं जो उसके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुँचा सकें। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके दूध से उतर कर आपके बच्चे तक पहुंच सकती हैं। जी हाँ, आपके खून से वो दवाई आपके दूध में उतर सकती है और उससे आपके बच्चे तक पहुंचकर उसकी सेहत पर असर डाल सकती है। इसलिए चाहे आप किसी डेंटिस्ट को दिखाएं या आप किसी भी चीज़ के लिए किसी और डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को और बाकी सारी जानकारी जो आपकी मेडिकल रिलेटेड है उसको लेकर डॉक्टर के पास या अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि उन्हें पता रहे कि आपकी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, आप कौन सी स्थिति में हैं और किस समय से हैं। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो पूरी पूरी जानकारी अपने डेंटिस्ट को दें कि कितने टाइम से पिला रही हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको आए हैं गायनेकोलॉजी रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान और सब कुछ, ताकि डेंटिस्ट इस बात का ध्यान रख सके कि वो कोई ऐसी दवाई आपको ना दे जो आपको या आपके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुँचा सके। हम इस बात का पूरा ध्यान रख सकें कि कोई ऐसी दवाई भी हम ना लिखें जो आपके शरीर से आपके दूध में उतरे और आपके बच्चे तक पहुँचे। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरी जानकारी आपके डेंटिस्ट को दें और साफ तौर पर दें, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब हम आते हैं बच्चे की बात पर। जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन कई ऐसी बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब बच्चा मुंह में एक या दो दांत लेकर पैदा हो, या पैदा होने के बाद 6 महीने से पहले ही उसके मुंह में एक छोटा सा दांत आने लगे। अक्सर ये जो दांत है ये बच्चे को इरिटेट करता है, उसके होंठ में या उसकी जीभ में छाला पैदा करता है, और दूध पिलाने वाली माँ को भी वो दांत चुभता है, गड़ता है, तंग करता है। ऐसे में इन्फेक्शन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चा तो कंटिन्यूसली रोता है ही। इस दांत को, जिसको कि हम नियोनेटल या नेटल टीथ कहते हैं, इनको हटवाने में कोई हर्ज नहीं है। दूध के दांत हटवाने में हर्ज है, लेकिन जो नेटल या नियोनेटल टीथ हैं उनको आप आसानी से आपके डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा सकते हैं, और ये ज़रूरी है ताकि वो बच्चे के मुंह को चोट ना पहुँचाए और आपको दूध पिलाते टाइम चोट ना पहुँचाए। इसके अलावा आजकल इंटरनेट पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि माँ बच्चे के मुंह में हाथ डाल के उसको साफ़ करती है दूध पिलाने के बाद। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी उंगली अपने बच्चे के मुँह में फोर्स नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त बच्चे का मुँह बहुत नाजुक है और आप जो सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यूज़ हैं
उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ऊपर से ही होंठ की तरफ से हल्की सी उंगली डाल के बस बच्चे का मुंह वाइप कर दें, बस। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हाथ में गौज ले सकती हैं गीला, या फिर हल्का सा पतला सा गीला टॉवल जो कि कुनकुने पानी से आपने डिसइंफेक्ट किया हो उसको आप ले सकती हैं, लेकिन बच्चे के मुंह के अंदर उंगली डालने की कोशिश ना करें, इससे बच्चे के मुंह को डैमेज हो सकता है। बाकी काम बच्चे के मुंह में जो थूक है, उसके होंठ है, उसकी जीभ है, वो कर देंगी सफाई का, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कब बच्चे के मुंह के ओरल हाइजीन की टेंशन लेने की ज़रूरत है ये मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। आपकी बात आपके साथ आईटीडीसी न्यूज़।